ऐसे तो है भी नहीं भी है इस परिचय की जरूरत क्योंकि अपना आजकल जो मन में आता है हम सबका आपस में संबंध है जिसको हम इंग्लिश में कोर्ट ट्रेवलर्स कहते हैं हिंदी में सह यात्री क्योंकि सभी हम लोग आप लोग भी पैंतीस वर्ष से ज्यादा मुझे भी बासठ वर्ष से ज्यादा हो गए हम सब ने ये रूहानी यात्रा शुरू की और इस रूहानी यात्रा में बाबा तो हमारे गाइड हैं ही लेकिन उसके साथ साथ आपस में भी हम लोग एक दूसरे के उदाहरण से एक दूसरे की सेवाओं से प्रेरणा लेते रहते हैं मंजिल हमारी समीप भी है पर ऊंची भी है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा समय लगेगा बाहर की परिस्थितियों को देख के तो ऐसा लगता है कि हम सबको तैयार होना चाहिए दोनों प्रकार से अपनी सम्पन्नता यज्ञ की संपन्नता और विश्व सेवा तीनों जिम्मेवार बाबा ने दी है तो ठीक है विश्व सेवा के लिए तो इस बार तो बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि मालिक हो सभी विश्व सेवाधारी हो तो किसी ने ये कहा कि हम सभी कैसे विश्व सेवाधारी हैं तो मैंने एक उदाहरण दिया कि हम सभी जब यज्ञ में आए मैं भी आई आप लोगों को भी अनुभव होगा तो जैसे ही यज्ञ में आए बाबा की पहचान हुई तो ऐसा लगा कि तो मेरा यज्ञ है मेरा परिवार है मेरा बाबा है तो हम सभी अपने प्रकार से सहयोगी बनना शुरू हो गए मैं जब आई तब तो कोई कोर्स टीचिंग्स वगैरह कुछ नहीं थी पर यज्ञ के सहयोगी बन गए और उसी यज्ञ में सारी विश्व की आत्माएं है आती हैं तो जो हमारा सहयोग किसी भी प्रकार का रहा और अभी भी है उससे हमको विश्व सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है जरूरी नहीं है कि अगर सभी देशों में चले गए या बड़ी सर्विस कर ली वो बहुत वो तो अच्छा ही है लेकिन यज्ञ प्रति हमारी जो भावना शुरू से है आप लोग भी अपने बचपन के दिन याद करिए कितना मन करता था न केवल जाए क्या ले जाए बाबा को कैसे बहलाए और हमारी भी उस समय किस तरह से बाबा हम सबका स्वागत करते थे तो जैसे ये यज्ञ में जो अपनापन हमें सबको लगा तो इस अपनेपन में हम सभी सहयोगी बन गए अपनी तरह से तो से विश्व की सेवा होती है ना सारे भारत से लोग आने लगे फिर विदेशों से आने लगे बाबा के समय भी एक फोटो है बाबा की एक बुद्धिस्ट है तिब्बत का या कहीं का तो बाबा ने सबको ये टाइटल तो दिया ही है लेकिन वर्तमान समय में अपने लिए मेरा दो तीन साल से बहुत अटेंशन है कि मैं बाबा के पास आई बाबा ने लक्ष्य दिया संपन्न बनना है संपूर्ण बनना है तो मैं उसको यही चाहती हूँ कि उस स्थिति को प्राप्त करके एवर रेडी रहना जरूरी है पहले एक बार बाबा ने कहा था कई बार मैं समझती कहा कि बच्चे एक दिन आएगा कि आप लोग ट्रेवल नहीं कर सकोगे तो हम सब ने सोचा कि शायद प्लेन नहीं होंगे शायद नहीं अपने अपने तरह से हम सोच रहे थे क्या नहीं होगा लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्लेन तो हजारों खड़े रहेंगे पर हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकेंगे एक, एक दूसरे को बुला ही नहीं सकेंगे क्या हो आप हमारे पास भोजन करो नहीं सब दूर 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 हाँ जैसे सारी दुनिया ही मरा, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई है कोई किसको छू नहीं सकता ये भोजन नहीं खाना वो नहीं खाना तो मैंने कहा सबको कंपल्सरी मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है बाबा ने प्रकृति कहे एक छोटे से वायरस ने सारी दुनिया में कितना कुछ चेंजेस ला दिए और उसका फिर आर्थिक व्यवस्था पर बहुत फर्क पड़ता है अगर आप सोचिए आज हजारों हजारों एयरप्लेन खड़े हैं सर उसके नौकरी करने वाले आज जो ऑयल यूज होता था गैसोलीन यूज होती थी गाड़ियां कम चलती हैं तो ऑयल प्राइसेस कितने ड्रॉप हो गए आधे से भी कम हो गए तो आर्थिक व्यवस्था पर उसका थोड़े समय के लिए नहीं लेकिन लंबे समय के लिए प्रभाव रहेगा पर हमें एवर रेडी रहना है पहले तो अपनी हमारी स्थिति तो बाबा तो देखो संडे की मोली में साफ इतना अच्छी तरह से समझा दिया तो उसी दिन सवेरे जब मोली संडे की थी किसी ने प्रश्न पूछा पहले भी भगवान सोचता है क्या सोचता है भगवान क्या सोचता है क्या उसको संकल्प आते हैं तो हमने कहा कि देखो जो भी जैसे मनुष्य जो कुछ सोचता है वो बोलता है क्या सोचता है चलो आज देखते हैं मुरली में क्या कहता है वो बोलता है महावाक्य उच्चारण करते हैं ना बाबा जो सोचता है भगवान वो बोलता है भगवान वाच्य तो बाबा ने कहा कि आप सभी भी जैसे हम विचार सागर मंथन करते हैं हमारे संकल्प भी ज्ञान युक्त हैं और हम बोलते भी ज्ञान है लेकिन सबसे बड़ी जो सब्जेक्ट है कि कर्म में और संबंध संपर्क में बाप समान बनना तो आज भी सवेरे में उठी तो ऐसे ही बाद, ब्रह्मा बाबा बहुत सामने आते हैं दादियों के उदाहरण भी तो बाबा एक बार दिल्ली में थे आप में से कईयों को याद होगा एक मेजर वर्मा करके थे कैंट में रजौरी गार्डन की तरफ बाबा उनके पास ठहरे क्योंकि दो तीन हजार भाई बहन आते थे उससे पहले बाबा आए थे तो डॉक्टर माथुर के यहाँ साउथ दिल्ली की तरफ ठहरे थे तो अचानक ही कुछ ऐसी घटना हुई कि मेजर वर्मा ने रात को साढ़े ग्यारह पौने बारह अचानक ही हार्ट अटैक से शरीर छोड़ दिया तो हमें से कुछ वहां थे फिर सवेरे बस से आने लगी तो जब बस से आने लगी तो उस दिन बारिश भी थी बहुत बड़ा टेंट भी लगा हुआ था वहीं बैठते थे सभी मुरली के लिए तो बहुत मिलिट्री थी चारों तरफ क्योंकि उस समय इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी तो इमरजेंसी के कुछ कानून कायदे होते हैं तो चारों तरफ मिलिट्री का घेराव था और एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था तो सबने कुछ हुआ है अच्छा आप लोग शांत रहो बाबा ने मुरली चलाई तो जब शरीर छोड़ा तो वो उसको ऐसे जैसे पेन होने लगी बहुत तकलीफ होने लगी तो वो बाबा के कमरे में गया और बाबा की नींद तो देखो ऐसी होती थी ना कि तो लच्छू दादी थी एक बहन थी तो जाके वो एकदम बाबा की गोद में ऐसे जाके गिरा और उसने शरीर छोड़ दिया गोद में बाबा के तो एक तो एक हिसाब से तो बहुत बड़ा भाग्य था उसका पर उसकी पत्नी उन दिनों में वहां नहीं थी गांव में थी तो सभी के मन में ना मिलिट्री थी इमरजेंसी थी मिलिट्री का आदमी था तो नेचुरली बहुत बड़ी बात थी ना तो वो शरीर ले गए बायोप्सी करने ये वो कि क्या हुआ है परंतु रात के समय बाबा जब ये हुआ उसके बाद क्या करना है आगे जगदीश भाई भी थे मैं भी हम लोग कई बहने थे आगे हमें क्या करना है तो वो तो खैर पूछते थे ऑफिसर्स वगैरह थे लेकिन बाबा कमरे में बाबा के गोल तकिया अभी भी शायद रखा है बाबा के कमरे में तो बाबा उस गोल तकिए बैठे थे और ऐसे बैठे थे बिल्कुल साइलेंस में बिल्कुल साइलेंस थी हम लोग बार बार जाते थे बाबा मुस्कुरा के दृष्टि देते थे कुछ भी नहीं कहते थे तो फिर हम लोगों ने कहा अच्छा ये करो वो करो करते करते जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हुई फिर अग्नि संस्कार हुआ और बाबा ने उस समय कहा कि अभी बाबा मधुबन वापस जाएंगे उन दिनों में एक ट्रेन जाती थी शाम को पांच बजे मेरे ख्याल से तो हमने कहा ठीक है ऐसे भी ऐसी परिस्थिति में पता नहीं कब तक इंक्वायरी चले क्या हो रहना भी नहीं चाहिए तो ठीक है लेकिन बाबा का वो पे साइलेंस घंटों बैठना और तभी जब हम बाबा अव्यक्त हुए तो क्या यादगार बनाए तो वो शांति स्तंभ बनाए एकदम बाबा स्थिर तो जैसे बाबा ने मुरली में भी वेघन विनाशक की बात कही ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है वेघन विनाशक का कि अंदर बाहर से कैसे कैसे आते हैं परंतु साइलेंस की शक्ति जो जमा की हुई थी बिल्कुल नहीं लगता था कि बाबा को कोई संकल्प चल रहा है या क्या होगा इसके बाद क्या करें कुछ नहीं एकदम साइलेंस में तो आज मेरे को उठते ही अमृत वेले बाबा का वो रूप सामने आया मैंने कहा अभी हर समय पर जब भी कोई परिस्थिति आती है अगर जो बाबा कहते हैं ना शक्तियों का स्टॉक जमा करो तो साइलेंस की शक्ति से कैसे वातावरण दूसरों की बुद्धि कई तरह के बाबा की याद में साइलेंस में है तो वो सब ठीक हो जाता है एकदम निर्वेग्न उसका कोई असर नहीं आता है थोड़ी न्यूज वगैरह बनी थी उस टाइम पर परंतु जो राइट बात थी वो तो राइट ही थी तो कहने का भाव ये कि समय अनुसार हमें बहुत आवश्यकता रहेगी चाहे अपने लिए चाहे यज्ञ में भी देखो आज हम बाबा ने जैसे कहा कि मनसा में बाप समान हो में भी हो लेकिन कर्म संबंध व्यवहार में अभी चाहिए प्रत्यक्ष और अभी आप देखो इस समय पर कई बार मैं बाबा को जब हो बाबा कहते हैं कि बाहर संसार में आत्माओं को पूरी तरह से विकारों का जोर है काम क्रोध लोभ मोह पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक किसी को भी देखो तो अगर हमें कोई ऐसे कमजोर संस्कार हैं, तो वो जो बाहर की एनर्जी है वो उनको इरप्ट करेगी जैसे ज्वाला वो बॉल कहना होता है ना तो इरप्ट होता है ऐसे संस्कार इरप्ट होंगे अगर आप लोगों ने तपस्या की हुई है स्थिति बनाई है तो आप पर कोई असर नहीं होगा नहीं तो कुछ ना कुछ गलती होती रहेगी अगर आज हम देखें हमारा विश्वविद्यालय सारे विश्व में हर तरह से नंबर वन कह सकते हैं लेकिन सिर्फ एक दिल में बाबा की भी और हम सब की भी इच्छा है कि अगर हम सभी एक मत हो जाए एक समान हो जाए मैं और मेरा नहीं पर हम हैं हम मैं और मेरे में तो बहुत हद आ जाती है हम हैं हमारा यज्ञ है हमारा, हमारा परिवार है हमारी सेवा है हम जब हो जाएगा तो बाप समान एक तो निर्विघ्न स्थिति कैसे बाबा निर्विघ्न खुद भी रहता था बाबा और यज्ञ में भी जो विघ्न आते थे आप देखेंगे कि बहुत भाग्यशाली है जहां जहां सेवा केंद्र पर सभी का स्वभाव संस्कार भिन्न तो रहेगा ये हो ही नहीं सकता है कि एक जैसे हो परंतु भिन्नता होते हुए भी प्रेम प्यार रूहानियत रहे तो बाप समान बनने के लिए सबसे बड़ी बात बाबा का जो स्नेह था सबके प्रति कोई पढ़ा लिखा है कोई अनपढ़ है कोई गरीब है कोई अमीर है तो बहुत स्नेह था बाबा का तो उसमें आप देखेंगे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि 20-25 भाई बहन यज्ञ में संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इतने बड़े संगठन में चलना फिर पहले बहुत धन संपत्ति थी फिर धीरे धीरे वो कम हो गया फिर कर्म योग करना है तपस्या तो करनी है फिर पार्टीशन हुआ तो अंदर कईयों के मन में कि हम नहीं चल सकते हैं हम लोगों ने जब वो चले गए तो कईयों से पूछते थे क्यों निकले बोला हमारी अपने कारण निकले पर उनको बाबा के लिए बहुत भावना थी क्योंकि जब वो गए बीस पच्चीस बाबा हम जाना चाहते हैं तो बाबा तो देखते हैं ना जो जो लोग जब देखो फालतू बात कर रहे हैं हद में है बाबा को पता था कि ये तो जाएंगे तो बाबा के पास आए बाबा ने उनको बहुत अच्छी तरह छुट्टी दी तो उनकी बाबा के प्रति भावना नहीं टूटी कभी भी बाबा का जो स्नेह था स्नेह से बाबा ने विदाई दी तो भावना नहीं टूटी तो हम लोग भी कोई भी कैसा भी स्टूडेंट है कोई कैसे भी है किसी भी कारण से असंतुष्ट है नहीं आता है या आता है कभी कभी कुछ भी है अपने हमने हम नियम बनाए गाइडलाइंस भी हो पर हमारा स्वभाव जो है अगर हम प्रेम से विदाई देने वाले को विदाई दे आने वाले का स्वागत करें तो हमारे प्रति उनकी भावना जो है वो नहीं टूटेगी लोगों ने ये भी शायद एग्जाम्पल सुना है कि दादी प्रकाशवाणी तो थी लेकिन एक बार हम एक ही गाड़ी थी एक ही आबू में एक ही कार थी कि ड्राइवर बहुत अच्छा भाई था मेरे टाइम पर भी शुरू में उसी गाड़ी को बुलाते थे तो एक बार वो बाबा के कमरे के वहां फ्रूट्स रखते थे याद है किसी को याद है उस टाइम आए थे आप लोग जब केले रखते थे ये आम रखते थे राइट है जहाँ जूते उतारते हैं ना वो बहुत अच्छी तरह बाबा फल खासकर जो एप्पल बनाना बाबा को अच्छा लगता था बॉम्बे के एल्फेंटो मैंगोज आते थे तो वो बहुत अच्छी तरह सजा के रखते थे फिर ड्राई फ्रूट आता था बहुत महंगा था उस टाइम तो उसने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट या कुछ ले लिया तो एक हिसाब से तो उसने चोरी की ना तो फिर बाबा ने बहनों को बुला के कहा कि जब सबको देते तो अगर इसको भी देते तो वो चोरी नहीं करता ना तो बाबा ने किसी को भी उसको कुछ कहने नहीं दिया बाबा ने कहा कि उसको भी देते अगर उसको भी देते तो वो चोरी नहीं करता ऐसे ही लंदन में किसी कोई भाई लंदन या कहीं पता नहीं भंडारी से रोज भंडारी टूटती थी पैसा चला जाता था थोड़े तो एक भाई करता था उसको थोड़ा गिल्टी लगी तो वो दादी के पास गया कहते है दादी मैं रोज इतने इतने डॉलर या इतने पाउंड निकालता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं मुझे ये चाहिए मुझे थोड़े कपड़े चाहिए तो फिर दादी ने बहनों को कहा कि आप लोग देते क्यों नहीं हो आप लोग अच्छी तरह दो तो ऐसा होगा ही नहीं तो दादी प्रकाशमणि का भी उन दिनों में जैकेट चले थे या कोई जूते थे तो दो चार के पास पैसे थे जाके ले आए नए नए चले थे उन दिनों में स्नीकर्स बोलते हैं ना बड़े बड़े जूते दादी ने कहा कि देखो अभी अगर मैं ये उस समय सिर्फ पांच सौ निवासी थे अगर पांच सौ को ये दिया जाए तो मतलब कहने का भाव ये कि हमको हमने कल होमवर्क लिया है कि 24 घंटे कम से कम पहले मेरी वृत्ति में प्रेम दृष्टि में प्रेम बोल में प्रेम व्यवहार में स्नेह स्नेही हो 24 घंटे में कह दूं फिर एक हफ्ता करेंगे फिर महीना करेंगे तो जो बाबा कहते हैं ना बाप समान बनने के लिए कर्म संबंध संपर्क तो बाप समान तो बनना ही है ना पहले दिन हम सोच रहे थे बालक सुमालिक बहुत काफी उस पर चर्चा चली फिर कल हम लोगों ने मुरली को पांच हिस्सों में पांच दिन रोज एक 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 पैराग्राफ सिर्फ रिवाइज नहीं कर रहे क्या हमने और करना है बाकी तो कल हम लोगों ने ये लिया मन वचन कर्म संबंध संपर्क आज शुद्ध संकल्प लेंगे कि वास्तव में शुद्ध संकल्प किसको कहते हैं तो उसमें हमने कल होमवर्क लिया कि 24 घंटे में एक मिनट भी क्या मेरा प्रेम भावना किसी के प्रति भी चेंज तो नहीं हो रही है तो सवेरे से ध्यान हो रहा है कि ये अटेंशन है कि जरा भी किसी बात में चिड़चिड़ापन न हो या जोर से नहीं बोलना है कई बार हम लोग थोड़ा जोर से बोल देते हैं छोटी छोटी बात पर तो मैं नहीं समझती हमें से कोई ऐसा है जो बाप समान नहीं बनना चाहता अगर कभी कभी सोचते हैं कैसे तो हमेशा ब्रह्मा बाबा को सामने रखो दादियों को सामने रखो हमारी दादी जब भी कुछ करना होता था शुरू शुरू में तो कोई भी परिस्थिति आती थी बाबा ने ऐसे टाइम पर क्या किया होगा बाबा ऐसे टाइम पर क्या करता था ऐसे बाबा बाबा कह के वो लोग भी एक उदाहरण बने हम लोग भी बाबा बाबा कहते हुए अर्थात तो उनका उदाहरण मेरे को बहुत टाइम तो नहीं पर ग्यारह साल के करीब साकार बा, में बाबा थे मामा थी और उन दिनों में बहुत थोड़े थे हम लोग मधुबन में अगर बारह पंद्रह हो तो भी बहुत है तो नेचुरली बाबा से ज्यादा संपर्क रहता था दिन में बाबा कई बार बुलाते थे बाबा का तो प्रेम सबका सबको ये अनुभव है तो वर्तमान समय पर हम पुरुषार्थ में ये ध्यान रख रहे हैं बाप समान बनने की जो मूर्ली चल रही है और यज्ञ में हर तरह के सत्य असत्य कहो धन का नीचे ऊपर होना हम अपना पर्सनल पहले तो चार्ट देखें कुछ भी देखो हम सब ट्रस्टी हैं हम बड़े बड़े सेंटर हैं बड़े बड़े सब मकान है हमारे पास यहाँ बहुत बड़ा रिट्रीट प्लेस है तो खर्चे तो होते ही हैं परंतु मुझे मन में ये होता है कि बाबा मैं हूं, सब कुछ बाबा का है अगर थोड़ा भी मेरापन होगा थोड़ा भी अगर मेरापन रोज मैं इस सब बाबा है बाबा आप ही आपके कार्य में सब अच्छी तरह सफल हो कुछ व्यर्थ ना जाए और मेरा तो कुछ है ही नहीं मैं तो एक निमित हूँ ट्रस्टी हूँ नहीं तो मैं कहा से लौकिक में होते तो क्या होता बाबा के कारण ही आज हम लोग इतने इतने बड़े बड़े बाबा के स्थान चलाने के निमित्त बने हैं तो ट्रस्टी हंड्रेड परसेंट मन में हर संकल्प में लाना है बाबा ये तो आप ट्रस्टी है, है क्योंकि नहीं तो उसमें भी थोड़ा सा भी देखो तो तब रखें जब बाबा बाबा सब कुछ कितने सहयोगी है अभी हम लोग बाहर नहीं जाते हैं फोन आते रहते हैं क्या चाहिए सब्जी चाहिए फल लाए ये लाए वो लाए तो। जब दरवाजा खोलो कोई फूल छोड़ जाता है कोई सब्जी छोड़ जाता है कोई तो बाबा हम बच्चों की इतनी देखभाल रह रहे हैं तो मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए ना अच्छा कोई कमी हो मैं तो सबको कहती हूँ कुछ भी चाहिए आप बताओ बेहद का यज्ञ बड़े सेंटर्स हैं हम आपको मदद कर देंगे पर गलत कुछ नहीं करो सबसे बड़ा विघ्न धन की तरफ से भी आता है थोड़ा भी वृद्धि होगी अंदर में मेरापन होगा तो सफल नहीं होगा ना और मुझे याद है दो तीन बहने एक बहन दो ने शरीर छोड़ा बोला देखो मैं खुद जीते जी सफल करके जाऊं ना फिर अलमानियों से निकले मेरे तो कोई और सफल करेगा तो मेरा भाग्य तो बनेगा नहीं <laughs> मेरा भी यही संस्कार रहता है किसी को भी कोई सहयोग दो जीते जी अगर हम सफल करते हैं जिन्होंने दिया उन्होंने सफल किया फिर हमारे हम निमित बने हमें सफल करना है परंतु ये भी बड़ा मैं यही सोच रही थी आत्मा परमात्मा फिर बीच में धन आ जाता है फिर आत्मा परमात्मा फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं मैं तो हमेशा विश्वास रखती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को जहां का है वही क्लास करे वही भंडारी में डाले लेकिन किसी को ये कहो तुम जा ही नहीं सकते किसी सेंटर पर डर रहे मन में ठीक है वो भी सब हो गया पार हो गए सब उससे भी अब हमको बेहद की बुद्धि रख करके पूरे ट्रस्टी बन के बाप समान जो यज्ञ में विघ्न जो आ रहे हैं वर्तमान समय वो हमारी सूक्ष्म मेरे में मेरेपन के कारण डॉक्टर थी बाबा की तरफ से मैसेज लाओ हम सब के लिए मैंने कहा सबसे पहले तो आ, ये जो जरूरत है मेरे समय कि हम यज्ञ की रक्षा करें चाहे वो जिस सेवा केंद्र पर है चाहे मधुबन है बद, वो हमारा फर्ज बन जाता है और फिर तीसरा तो है ही बेहद की सेवा जब से ये इंटरनेट जूम का निकला है बहुत सेवा बढ़ गई है सब जगह तो इसलिए मेरा तो यही मंथन आजकल चल रहा है और यही लगन रहती है कि हम होमवर्क करें अपना दिन भर टेंशन रखे पहले हम स्नेह का कर रहे हैं फिर शांति बाबा के जो मुख्य गुण हैं तो पहले तो ऐसा लगा कि बहुत है अभी धीरे धीरे लगता है कि हम तो देखो बच्चे हैं मालिक हैं तो क्यों नहीं बाप समान बन सकते हैं जरूर बनेंगे तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और प्रैक्टिकल में जैसे कि कर रहे हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे शक्तियों का स्टॉक स्टॉक और चीजों का स्टॉक रख रहे हैं ना अनाज का रख रहे हैं साबुन भी चाहिए ये सब स्टॉक रख रहे हैं तो शक्तियों का स्टॉक भी साथ साथ जैसे वो स्टॉक जमा कर रहे हैं ये भी अगर जमा करें तो समय पर तो काम आता ही है और जरूरी भी रहेगा ऐसी ऐसी बातें आएंगी तो उसमें जो मैंने विघ्न की बात कही ना कि देखो सबसे बड़ा विघ्न आता है जब हमारी बुद्धि थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी कारण से वो राइट है रॉन्ग है कुछ भी लेकिन अगर मेरी बुद्धि पर थोड़ा भी प्रभाव पड़ा किसी भी कारण से वो वहां से ऑब्स्टेकल शुरू हो जाता है देखो अभी निश्चय बुद्धि तो सभी है संशय आने की तो कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी भी किसी बात में कई कहते क्या होगा सेंटर्स का क्या होगा बाबा से पूछो इसका क्या होगा उसका क्या होगा बाबा ने कहा देखो बाबा के है ना सेंटर्स बाबा के घर है तो क्या होगा ये क्यों प्रश्न पूछते हो तो बाबा करेगा ना बाबा चलाएगा लेकिन आप लोगों को समय दिया नहीं बाबा ने कहा 86 की मुरली है पर आज लागू हो रही है समय दिया है बहुत काल का पुरुषार्थ करो बहुत काल है नहीं तो भी समय दिया है अपनी स्थिति बना लो समय दिया है तो हम लोगों को समय मिला है क्योंकि सब कहते बहुत बिजी है बहुत प्रोग्राम है बहुत ही है हमारे रिट्रीट प्लेस में भी किए तो टू मच है कब ब्रेक मिलेगी मैंने कहा अभी लंबी ब्रेक मिली है लो ना अब ब्रेक मिली है तो फिर क्या होगा अब क्या होगा हुँ? तो अभी मैं मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं मैं तो इतना दिन में सारा दिन मुरली पढ़ो इतने एफर्ट करो एंड ऑफ कोर्स कई जगह से जैसे आपने बुलाया कल संडे को मॉरिशियस ऐसे हर कोशिश करते हैं कि एक ना एक देश है कभी कभी बॉम्बे से बात की कभी लखनऊ का था वे कलकत्ता है आते रहते हैं ऐसे ऐसे तो जब समय होता है क्योंकि समय का भी तो फर्क है ना आप लोगों ने मुझे याद किया आशा बहन और सभी बहने और तो मैं दिल से आप सबका कर शुक्रिया करती हूँ मुझे बहुत खुशी है क्योंकि सबसे बड़ी खुशी तो परिवार से मिलना है और अभी तो डेली अपनी तो क्या विश्व ही अपना हो गया है तो इसलिए मैं सबको यही कहूंगी कि थोड़ा भी किसी बात के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है अपने मन को बुद्धि को और कोई भी हम सब में कोई ना कोई वीक संस्कार होता है जिसमें हम रिएक्ट कर जाते हैं प्रवोक हो जाते हैं सभी में होगा वो जो वीक संस्कार है दादी जान की हमेशा कहती थी वो धोखा दे जाएगी एंड में आप लोगों को आप पासवि नहीं हो सकेंगे आपकी स्मृति की लाइन ब्लॉक हो जाएगी वो तो कहती थी कोई भी बात का प्रभाव आता है तो करंट नहीं ले सकते बाबा से स्मृति की लेन ब्लॉक है हम याद कर रहे हैं परंतु करंट नहीं मिलेगी तो इसलिए बाकी जो थोड़ी सी यात्रा है पूरा ट्रस्टी बनकर और सब बाबा का है बाबा करेंगे बाबा संभालेंगे मैं तो देखो दो तीन साल से पहले बहुत ट्रेवल करती थी तबीयत के कारण नहीं ट्रेवल करती तो मेरे मन में ये आता था कि इतना कितने चालीस देश हैं सब तो बहने जाती है मैं जा नहीं सकती पर मैंने कभी भी मैं संतुष्टि रही मैंने कहा मैंने बहुत ट्रेवल किया है मैं जब इंडिया में थी तो भी बाबा इधर जाओ उधर जाओ ट्रेवल ही किया सारी लाइफ ना तो बहुत अच्छा अभी बाबा कहता है रहो तुम एक जगह रहो तो भी शाम को छह महीने हो गए हैं रोज शाम को क्लास करते हैं और सभी लोग सुनते हैं जूम पर जितने भी सेंटर्स से हैं छोटे बड़े घर में हर भाषा के बाबा निमित्त बना देते हैं सेवा अपना भी स्टडी हो जाती है साथ में सबकी स्टडी हो जाती है तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत दिल से न केवल थैंक्स लेकिन शुभकामनाएं कि हम सभी इकट्ठे इकट्ठे चल के अपनी यात्रा को पूरा करेंगे बाप समान बनेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे तो अगर हो सकता है तो दो तीन मिनट बाबा की याद में भी बैठेंगे तो अच्छा ओम शांति सबको थैंक यू धन्यवाद फिर मिलेंगे